मध्यस्थ महानुभाव और विद्वत जनों, वैसे तो मैं देर से आया हूँ लेकिन जल्दी भी आया हूँ क्योंकि ये कार्यक्रम शायद 4 बजे से था, 4:30 से, तो मैं जल्दी आ गया हूँ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी नहीं। अभी मैं जहाँ हमारी डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वहाँ था। पूरे देश की 200 कवयित्रियाँ वहाँ इकट्ठी हुई थी। पर आप सबने कहा इस प्रकार जब संस्कृति और इतिहास की बात करते हैं तो कविता को हम बुला नहीं जा सकते। कविता भी सांस्कृतिक इतिहास की एक धारा है, एक पहचान है, और विभिन्न बोलियों विभिन्न भाषाओं, एक हृदय हो भारत जननी जैसा इतिहास प्रसिद्ध वाक्य जब हम कहते हैं तब पूरे देश की इतनी बोलियां इतनी भाषाएं इसका ही हम ख्याल करते हैं। मुझे पता है कि मैं अभी असम की महिलाएं भी आई थी, बिहू नृत्य उन्होंने किया। असम की पहचान केवल बिहू नहीं है लेकिन बिहू भी है। नॉर्थ ईस्ट की जो पीड़ा और महत्वाकांक्षा है उसको वे व्यक्त करती है और उसी आधार पर उसका इतिहास भी बना है, संघर्ष भी बना है। और देखिए संस्कृति का सर्जन केवल किसी एक बात से नहीं होता। सब कहते हैं संवाद होने के कारण संस्कृति बनती है, मैं इससे स्वीकार नहीं करता। संस्कृति बनती है संवाद से, संस्कृति बनती है संघर्ष से, संस्कृति बनती है संकल्प से, और तीनों वे आधार पर सिद्धि के गिरी शिखर तक पहुंचते हैं। तो ये चारों का ख्याल करना पड़ेगा और खास तौर पर इतिहास में। इतिहास लेखन आजकल बड़ी चर्चा में है, होना भी चाहिए क्योंकि कुछ है कुछ नहीं है, अपने अपने ढंग से भी इतिहास लिखा गया है। और इसमें से हम इतिहास के अध्यापक छात्रों को क्या दें और क्या ना दें। आपने कहा कि प्रश्न की परंपरा है हमारी, तो इस प्रश्न की परंपरा के साथ साथ सही प्रत्युत्तर की भी परंपरा हमें जोड़नी पड़ेगी। एक तरफी संवाद नहीं होता, संवाद के लिए अद्वैत तो होना चाहिए, केवल द्वैत नहीं होगा। और देखिए आप लोग गुजरात में आए, मैं गुजरात के एक दो उदाहरण देकर, 5 मिनट मुझे दिया है तो शायद 7 मिनट हो जाए तो माफ करना, मैं बता दूं कि गुजरात ने गुजरात की भारतीय संस्कृति के साथ जो पहचान है, उमाशंकर जोशी हमारे बड़े कवि, उन्होंने कहा था कि मैं गुर्जर भारतवासी, तब इसमें प्रांतवाद नहीं आता, भारतवासी की बात आती। तो ये गुजरात की पहचान है। कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ गुजरात में पहले संकल्प लिया जाता है, फिर उसके लिए संघर्ष होता है, फिर समन्वय की भी बात होती है। आपने सुना होगा कि पारसी लोग ईरानी लोग यहाँ आए, दूध में शक्कर की तरह मिल गए। क्यों मिल गए? गुजरात में ही क्यों मिले? ये भी एक संशोधन का विषय है। और आज पारसी कम्युनिटी सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक बहुमती लघुमती है। क्यों? इसने उद्योगपति दिए, उन्होंने स्वातंत्र्यवीर दिए, उन्होंने समाज सेवक दिए, उन्होंने पत्रकार दिए, उन्होंने रंगभूमि के लोग दिए। तो ये कारण यह है कि समन्वय की साधना, ये संस्कृति की एक एक वो केवल एक नहीं लेकिन वो पहचान है। तो पहले संकल्प होता है, फिर संघर्ष होता है, फिर समन्वय होता है और फिर सिद्धि प्राप्त होती है। 400 में हमारी संस्कृति आ जाती है। और इसी के कारण गुजरात में जितने कुछ 4 या 5 में स्थान बिंदु केवल कहकर छोड़ दूंगा, क्योंकि संस्कृति का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी पहचान है वो है विनाश से निर्माण। टूटते हैं, नष्ट हो जाते,
पर फिर भी हम देव हुमा की तरफ, फिनेश की तरफ, पंकी की तरफ फिर ऊपर आ गए। क्यों, कैसे? हम दो तीन स्थान है यहाँ, एक लोथल है, यहाँ नजदीक है बिल्कुल, पुरातत्व की दृष्टि से 5000 साल पुराना है, और वहां अभी भी खंडर है। वहां के पुराने नगर, कितनी संस्कृति क्या थी, कैसा वहां का जनजीवन था, प्रजा जीवन था। लेकिन महत्व ये है कि वो नदी और समुद्र के तट पर था, और नदी के और समुद्र के तट पर जब था 5000 साल पहले, तो विनाश आया, सुनामी आई, नष्ट हो गया लोथल। लोथल वासी नष्ट नहीं, फिर उन्होंने लोथल खड़ा किया नगर, फिर कुछ सालों के बाद फिर सुनामी आई, विनाश आया, नष्ट हो गया लोथल। लोथल वासी की कल्पना और ताकत नष्ट नहीं हुई, फिर लोथल नष्ट खड़ा हो गया। 4 बार लोथल खड़ा हो गया है, पूरा विदों का कहना है। क्यों? विनाश से निर्भर, ये हमारी पहचान है। दूसरा उदाहरण भगवान सोमनाथ महादेव का है, कितनी बार आक्रमण हुए और कितनी बार नष्ट हो गया, 17 बार, बार बार उनका पुनर्निर्माण हुआ है। सिद्धराज ने किया, राखेंगार ने किया, कुमारपाल ने किया, जैन और सनातनी साधुओं ने मिलकर किया, महारानी होलकर ने किया, अहिल्याबाई ने, और अंतिम 1947 की नवंबर के 22 तारीख को जब जूनागढ़ मुक्ति हुई, जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ विलीनीकरण किया था, घोषित किया था, आरजी हुकूमत वहां बनी, लोगों ने लड़ाई की और जूनागढ़ मुक्त हुआ, और 22 नवंबर को बहुत दिन कॉलेज है वहां पुरानी, वहां के मैदान में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने व्याख्यान दिया। पटेल शैली थी उनकी अपनी, आज प्रतिमा आपको देखनी होगी, तो वो उन्होंने कह दिया कि भाई बोलो, आपको पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान में रहना है। ये उनका लोकतंत्र था, लेबिसाइड, लोकमत का तरीका। सब लोगों ने हाँ कह दिया, फिर लोकमत हुआ भी, चुनाव भी हुए, लेकिन उनकी ये स्टाइल थी। और वहां से वो गए सोमनाथ, कनालाल मुंशी उनके साथ थे, गुजरात की अस्मिता के वो धरोहर है, लेखक है, गुजरात की अस्मिता के बारे में उनके जो उपन्यास है और संशोधन है वो देखने लायक, पढ़ने लायक। वहाँ गए और वहाँ समुद्र में से अंजुलि भर पानी लेकर संकल्प किया कि हम सोमनाथ का जीर्णोद्धार करें। सब सेक्युलर देश था तब, तो हिंदुस्तान आजाद हो गया था, और उनका उनके प्रधानमंत्री के दिमाग में एक बड़ा सेक्युलरिज्म था। उन्होंने ना कह दिया कि नहीं, ये तो सेक्युलरिज्म में किसी महादेव या मंदिर का नहीं होना चाहिए। सरदार ने मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया, सरदार ने प्रजा की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान किया, विनाश से निर्माण। तो उन्होंने तो कर दिया, आपने ढंग से किया, भले ही उसमें सरकार की नहीं की वो अलग बात है, लेकिन सरदार साहब का ये सपना, ये दूसरी बात। तीसरा उदाहरण अभी अभी का कच्छ का है, कच्छ में धरतीकंप हुआ था, भूकंप हुआ था, लोग नष्ट हो गए थे, मैं तो गया था वहां, पूरा कच्छ समाप्त हो गया, कोई बचा नहीं था, कोई बचे थे तो बचे कुछ लोग, वो भाग निकले थे, ऐसा लगता था कि कच्छ कभी भी खड़ा नहीं हो सके, 2 साल में खड़ा हो। क्यों? क्योंकि बिना देते रहे। तो साहब आप बड़ी चर्चा है करें, अलग अलग इतिहास के खंडों का अध्ययन करें, इसके साथ साथ ये भी जोड़ दें कि भारतीय संस्कृति की पहचान इस, और इस पहचान के साथ यदि हम चलेंगे आगे तो इतिहास का पुनरावलोकन होगा, पुनर्लेखन होगा, कुछ लड़ाइयां भी हो सकती है, कुछ कहेंगे ये, कुछ वो कहेंगे, लेकिन हमें आधुनिक 21वीं सदी में नए छात्रों को सामने रखकर ये इतिहास को पढ़ाना है, इस इतिहास को समझाना है। उनकी आंखों में जब एक लकीर आ जाए तेजस्विता की, अध्ययन खंड में मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे पता है, मैं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, लेकिन उनकी आंखों में कुछ रोशनी आ जानी चाहिए। वो ठीक है, सिलेबस आ गया, बात हो गई, खत्म हो गई, सेमेस्टर आ गए,
सर्टिफिकेट मिल गया, नहीं ऐसा नहीं, उसको जिंदगी जीने की जो शिक्षा है वो इतिहास से जुड़ी हुई है। और आप इतिहास के सब बड़े विद्वान लोगों हो, इसलिए मैं विनंती ही करता हूँ, और कुछ ज्यादा तो नहीं करूँगा, लेकिन ये सब घटनाएं, अब घटनाओं का सिलसिला बहुत बड़ा है। मैंने कहा संघर्ष किसी भी इतिहास में, पूरे गुजरात हिंदुस्तान के इतिहास में ये किसी ने नहीं बताया कि गुजरात में 10,000 लोग 1897 में मरे थे, किसी ने नहीं कहा। हम अंदामान जाते हैं, अंदामान निकोबार, अंदामान निकोबार में 1857 के 9 गुजराती स्वातंत्र सैनिकों को कालकोटरी की अजन्म कारावास की सजा मिली थी, वापस नहीं आए, कोई लिखता नहीं। इसी गुजरात में 1914 में गद्दर पार्टी से, एक बड़ी क्रांतिकारी पार्टी थी, उसका उसका पत्रकार गुजराती था, पोरबंदर का था। जब हम गांधी जी के बारे में जानते हैं ना, इसी प्रकार छगन खेराज वर्मा के बारे में जानना चाहेंगे। छगन खेराज वर्मा ने भी पत्रकारिता की और 1914 में सैन फ्रांसिस्को से गद्दर नाम का गुजराती अखबार निकाला, उसको फांसी दी गई थी। उसके प्रथम संपादकीय में लिखा था कि किसी भी समाज में परिवर्तन करना है तो अपनी दूध भाषा से, अपनी मातृभाषा से ही हो। तब क्या हमारे इतिहास में न तो पत्रकारिता के न बाकी सबके किसी इतिहास में ये नाम नहीं है। ये वे दो तीन बातें इसलिए कहलाना चाहता था कि हम बार बार जब संशोधन की बात करते हैं तो छोटे बड़े और संशोधनों का भी करना चाहिए। भारत माता की जय हम बोलते हैं, लेकिन भारत माता की जय का प्रारंभ 1905 में बड़ौदा से हुआ था। अरविंद घोष ने भवानी मंदिर नाम की एक पुस्तिका लिखी थी और उसमें भारत माता का एक आदर्श दिया था, तब से भारत माता की जय आई। ये हम कहते नहीं, कहना चाहिए, और ये इसीलिए कहना चाहिए कि इसी आधार पर नए भारत का साहस, नए भारत का स्वाभिमान, नए भारत की शक्ति का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।